नमस्कार, मृदु स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मामला सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर आए। अतिथि शिक्षक एक और जहां प्रदेश की सरकार से अपने पद के फिक्सेशन को लेकर जल्द ही आदेश जारी करने का आग्रह कर रहे हैं। शिक्षा विभाग लोक शिक्षण से आग्रह कर रहे हैं और दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की भर्तियों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा है वह निकल के सामने आ रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के हर विकासखंड, हर जिला शिक्षा अधिकारी और ज़्यादातर स्कूलों पर इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी कि जो पात्र कैंडिडेट है जिसको अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त होना चाहिए था उसको नियुक्त ना करके संबंधित विद्यालय के प्राचार्यों, संकुल प्राचार्यों ने मिलकर फर्जी नियुक्तियाँ कर ली। चलिए आपको कम्प्लीट जानकारी यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट मामला अतिथि शिक्षकों को लेकर है। नियुक्ति में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश के समस्त लोग, समस्त अतिथि शिक्षक इसको जरूर देख लें क्योंकि ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। शिकायत पर शिक्षा विभाग ने नहीं कर रहा कार्यवाही। पात्र अभ्यर्थी दफ्तर के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इनको न्याय दिलाने के लिए वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। कम अंक प्राप्त करने वाले और पैनल से बाहर के अभ्यर्थी बन गए अतिथि शिक्षक, यहाँ तो अंधेर ही हो गया। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी ये नियम ही बनाते रहते हैं, आदेश ही जारी करते रहते हैं। उनकी नाक के नीचे इस तरह से संस्था प्रधान प्राचार्य, संकुल प्राचार्य जो है नियुक्तियां करके और अतिथियों की भर्ती कर लेते हैं अपने लोगों को। यहाँ पर पूरा अपडेट बताएंगे। छतरपुर का मामला है। वैसे प्रदेश के हर जिले में इसी तरह की हाल है, लेकिन जिले भर के शासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इस माह शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ग 1-2 में अतिथि शिक्षकों की विभाग विभिन्न विषयों के लिए भर्ती की गई है। इस दौरान संबंधित संकुल प्राचार्य और स्कूल के प्राचार्य ने मिलकर गड़बड़ी करते हुए देख सकते हैं। संकुल प्राचार्य और स्कूल के प्राचार्य ने गड़बड़ी करते हुए फाइनल में पहले नंबर पर नाम आने के बाद भी अभ्यर्थी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए दूसरे और तीसरे स्थान वाले की नियुक्ति कर दिया है। देख सकते हैं इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। अगर यहाँ पर 2-4 कार्रवाई एक हफ्ते महीने में होती रहे लोक शिक्षण या ऊपर के अधिकारियों के द्वारा, तो इन जो संबंधित संकुल प्राचार्य हैं, प्राचार्य इनके फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकती है। वहीं आपको बता दें, इसके साथ ही पैनल के बाहर के अभ्यर्थी चुपचाप नियुक्ति कर दी गई। वहीं बारीगढ़ क्षेत्र में एमए के बाद बीए करने वाले की नियुक्ति हो गई। तो यहां पर देख सकते हैं एमए के बाद बीएम करने वाले की नियुक्ति की गई है। यानी यहां पर देखिए, जिले के कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें नियुक्ति के बाद में अतिथि शिक्षक पढ़ाने नहीं जा रहे और वेतन बराबर मिल रहा है। इनमें कुछ अतिथि शिक्षक ऐसे भी है जिनके स्थान पर दूसरे लोग वहां पर पढ़ाने जा रहे हैं। यानी यहां पर देख सकते हैं कि छूट दी गई है, तथा जिनकी नियुक्तियां हुई है उसकी जगह अन्य व्यक्ति पढ़ा रहा है। तो यहां पर जो है देख सकते हैं, बीजावर क्षेत्र में पनागर संकुल अंतर्गत आने वाले दमोतीपुरा माध्यमिक स्कूल में पैनल से बाहर के अभ्यर्थी की स्कूल के हेड मास्टर द्वारा अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति कर दी गई है। वहीं अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान पनागर गांव की भावना चौरसिया ने दमोतीपुरा स्कूल में गणित विषय के लिए आवेदन किया है। भावना के अच्छे अंक होने पर उनका नाम पैनल में तो आ गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक पैनल से बाहर कर दिया गया। साथ ही अभ्यर्थी सुनील अनुरागी की नियुक्ति हो गई। इस बात का पता लगने पर भावना ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा प्रशासन से कर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब सुनील के स्थान पर दूसरा युवक स्कूल पहुंचकर बच्ची को पढ़ा रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि स्कूल प्राचार्य नियुक्ति में मनमानी कर रहे हैं लगातार। हर जिले विकास खंड का यही हाल है, पूरे मध्य प्रदेश का। बारीगढ़ के क्षेत्र के प्रकाश मोहरी शासकीय माध्यमिक स्कूल प्राचार्य द्वारा एमए के बाद बीए करने वाले अभ्यर्थी की अंग्रेजी विषय के लिए वर्ग 2 में नियुक्ति कर दी। या मतलब बीई यहां पर रहेगा, इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट होता है, फिर बी के बाद बी यहाँ पर देखिए वर्ग 2 में नियुक्त कर दी। और मुढ़ेरा गांव के यहाँ पर देखेंगे ध्रुवराम रैकबार ने यहाँ पर 1996-97 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 2005-06 में इतिहास विषय के से एमए कर लिया। तो यहाँ पर एमए कर लिया, लेकिन अंग्रेजी साहित्य से बीए किया, जिसका उल्लेख उन्होंने प्रकाश मौर्य माध्यमिक स्कूल में दिया। वहीं अपने स्कोर कार्ड में यहाँ पर दिया, इस मामले की जानकारी स्कोर कार्ड के माध्यम से होने के बाद भी स्कूल प्रचार अध्यक्ष की नियुक्ति वर्ग 2 में कर दिया। यहाँ पर पूरा मामला जो है कितना साठ गांठ से चल रहा है। साथ ही जो
अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। लखनगों उत्तर माध्यमिक स्कूल में भी स्कूल दूसरे और तीसरे नंबर के अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई है। बीजाबाद क्षेत्र परागर संकुल के अंतर्गत आने वाले लखनगुआ उच्चतर माध्यमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए एक माह का वेतन न देने पर कम अंक वाले दो अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई। पनागर के गोहल अहिरवार ने यहाँ पर गोकल अहिरवार ने बताया है कि पिछले दिनों उन्होंने लखनगुआ उच्चतर माध्यमिक स्कूल में वर्ग एक के लिए अंग्रेजी और जीव विज्ञान के लिए आवेदन किया था। अंकों के आधार पर जारी स्कोर कार्ड में गोकल पहले नंबर पर आ गए। नियुक्ति से पहले पनागर संकुल प्राचार्य ने उसे बुलाया और एक माह का वेतन देने को कहा। मना करने पर संकुल प्राचार्य ने दूसरे और तीसरे नंबर के अभ्यर्थी वंदना पाठक और ऊषा चौरसिया का चयन जीव विज्ञान में कर दिया। तब से यह अभ्यर्थी जिला मुख्यालय पर लगातार शिकायत करते हुए वहां पर घूम रहा है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। इसकी आप सुनेंगे, आप पहुंचाएंगे वीडियो को। मामले में यहां पर देखिए 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। ये डीओ का बयान है, जिले भर में हुई अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, उसकी जांच के लिए विभाग द्वारा 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एम के कौटर डीओ छतरपुर के द्वारा यहां पर बड़ा बयान दिया गया है, लेकिन बयान से काम नहीं चलेगा। ऐसे शिक्षकों संकुल प्राचार्यों के खिलाफ जो है 2-4 महीने का वेतन रोकना चाहिए और इनको तत्काल जो है तो लंबे समय के लिए निलंबित या बर्खास्त करना चाहिए। तभी यहां पर जो प्रदेश में मैसेज जाएगा कि अगर हम फर्जी करेंगे तो हमारे साथ भी यहां पर जो है हमारा नुकसान होगा। इसलिए उससे जो है अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। मुझे पूरी उम्मीद जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर ले, बिल्कुल फ्री में। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।